हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, क्योंकि आगे जब हम कीज पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो यही टर्म्स यूज में आएंगे। तो पहले ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं या इनका मतलब क्या है। तो आज हम रिलेशन, डोमेन, एट्रीब्यूट, ट्यूपल, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें रिलेशन क्या है। रिलेशन डेटाबेस में किसी टेबल को कहते हैं, और डेटाबेस क्या है, टेबल्स का कलेक्शन, यानी एक डेटाबेस में कई टेबल्स हो सकते हैं और इन टेबल में डेटा रोज या कॉलम्स में अरेंज होते हैं। सेकंड है डोमेन। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ सिमिलर वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। तो एट्रीब्यूट क्या है, किसी टेबल के कॉलम नेम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे अगर हमारे टेबल में एक एट्रीब्यूट है मंथ, तो मंथ में हम कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई भी वैल्यूज एंटर किया जा सकता है, यानी यही 12 वैल्यूज परमिसिबल हैं उस डोमेन के लिए। तो डोमेन सिमिलर सेट ऑफ वैल्यूज को कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई इंटीजर डोमेन है, सपोज हम रोल नंबर इंटीजर में एंटर करवा रहे हैं, तो इंटीजर डोमेन में वैल्यूज क्या हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं हो सकती है, ये सिर्फ होल नंबर को एंटर करा सकता है। तो इस तरह से डोमेन एक सिमिलर सेट ऑफ वैल्यूज है। देन नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। अभी हमने डिस्कस किया एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, टेबल के कॉलम को, यानी कॉलम का जो नेम होता है वह उसका एट्रीब्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है ट्यूपल। तो ट्यूपल किसे कहते हैं, टेबल के रोज को ट्यूपल कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर रो उस टेबल का ट्यूपल कहा जाता है। इसे एक डायग्राम से समझें, तो यहाँ रिलेशन क्या है, रिलेशन का नेम है स्टूडेंट, तो ये एक टेबल हो गया, टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, कॉलम नेम, जैसे यहाँ एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट। एंड डोमेन क्या है, जैसे अगर हम डिपार्टमेंट के बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, फिनेंस, बॉटनी, मैथ्स, सोशल साइंस, ये सब क्या है, एक डोमेन है, यानी सेट ऑफ वैल्यूज है। यहाँ नेम डोमेन है, यानी ये लोगों के नेम है, स्टूडेंट्स के नेम है, तो ये भी सेट ऑफ वैल्यूज है। रोल नंबर, ये भी एक डोमेन है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो एक डोमेन के अंदर आएंगी। अब अगर हम ट्यूपल की बात करें तो एक पूरा रो, एक ट्यूपल किसी ना किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, यानी हर रो में एक रिकॉर्ड है किसी स्टूडेंट का, और उस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, ट्यूपल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ट्यूपल, रो, रिकॉर्ड या एंटिटी भी कह सकते हैं, और पूरे ये सेट क्या है, एंटिटी सेट। और फील्ड किसे कहते हैं, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो सेल बनता है वो क्या कहलाता है, फील्ड, और डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, फील्ड में। तो ये सारे बेसिक टर्म्स हैं रिलेशनल डेटाबेस के, लेकिन रिलेशनल टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम देखते हैं। पहला है, किसी डेटाबेस में रिलेशन का जो भी नेम होगा वह डिस्टिंक्ट होगा, यानी यूनिक होगा एक दूसरे से। एक डेटाबेस में दो टेबल या रिलेशन के नेम सेम नहीं हो सकते हैं, हर टेबल का नेम हमें यूनिक स्पेसिफाई करना होगा। साथ ही रिलेशन के हर सेल में एक्जैक्टली वन वैल्यू स्टोर की जा सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू वहां स्टोर नहीं की जा सकती है, यानी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमने देखा था और उसको हमने सॉल्व भी किया था कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एक टेबल में स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। किसी रिलेशन में हर एट्रीब्यूट का एक डिस्टिंक्ट नेम होगा, जिस तरह से डेटाबेस में हर रिलेशन के नेम अलग होंगे, उसी तरीके से एक रिलेशन में उसके हर कॉलम या एट्रीब्यूट का नेम एक दूसरे से अलग होगा या यूनिक होगा। ट्यूपल में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होगी। तो रिलेशनल डेटा मॉडल का मेन पर्पस क्या है, डेटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन वहाँ अलाउड नहीं है।
तो टेबल के हर रो एक दूसरे से यूनिक होने चाहिए, वहां डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ट्यूपल कैन हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस। अब ट्यूपल में जो भी वैल्यूज है वो ऊपर नीचे हो सकती है, वहां जरूरी नहीं है कि हम रिकॉर्ड्स को एक शॉर्टेड ऑर्डर में ही एंटर करें, यह नेसेसरी नहीं होता है किसी रिलेशन में। तो आज के इस वीडियो में आपको रिलेशनल डेटाबेस के ये टर्म समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।